क्या अर्नब को पहले ही दे दी गई थी बालाकोट की सूचना? व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद उठ रहे हैं कई सनसनीखेज सवाल। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या बातचीत हुई अर्नब गोस्वामी और दास गुप्ता के बीच, जो आप सबको जानना बेहद ज़रूरी है। व्हाट्सएप चैट्स में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व CEO पार्थो दास गुप्ता की बातचीत सामने आई है और कथित व्हाट्सएप चैट्स लीक होने के बाद से कई चौंकाने वाली और चिंताजनक बातें सामने आई हैं। इन चैट से पूर्ण संकेत मिलते हैं कि रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को पहले से ही बालाकोट स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने की जानकारी थी। ये व्हाट्सएप चैट्स TRP स्कैम मामले में दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट का एक हिस्सा है। बार के चेयरमैन दास गुप्ता को मुंबई क्राइम ब्रांच ने दिसंबर में गिरफ्तार किया था और उनके ऊपर कथित तौर पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक खास चैनल के लिए और उसकी TRP को बढ़ाने को लेकर गुप्त रूप में शामिल थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक 14 फरवरी 2019 को हुआ था, उसमें तकरीबन 40 जवान शहीद हुए थे। बालाकोट स्ट्राइक से 3 दिन पहले गोस्वामी कथित तौर पर दास गुप्ता को बताते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब दास गुप्ता पूछते हैं कि क्या उनका मतलब दाऊद से है, तो अर्नब जवाब देते हैं, नहीं सर, पाकिस्तान, इस बार कुछ बड़ा किया जाएगा। दास गुप्ता जवाब देते हैं कि ये अच्छा है। फिर गोस्वामी जवाब देते हैं कि सामान्य स्ट्राइक से बड़ा और फिर कश्मीर पर भी कुछ बड़ा। पाकिस्तान पर सरकार आश्वस्त है कि स्ट्राइक ऐसे किया जाएगा कि लोग उत्तेजित हो जाएंगे, यही शब्द इस्तेमाल किए गए। इससे साफ साफ पता चलता है कि रिपब्लिक के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को पहले से सिर्फ यही नहीं पता था कि पुलवामा हमले का जवाब सरकार बड़े स्तर पर देने जा रही है, बल्कि इस बात की भी जानकारी थी कि जवाबी हमले का संभावित पब्लिक रिएक्शन कैसा होगा। आप सबसे यही सवाल है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में 40 जवान शहीद हुए और ऐसे पत्रकारों को उस समय सिर्फ TRP की जरूरत थी, तो क्या आपको लगता है कि देश सही दिशा में जा रहा है और पत्रकार किस तरीके से चुनाव में बड़े बड़े राजनेताओं को मदद करते हैं ताकि वह फिर दोबारा सत्ता में आ सके और पत्रकारों को भी फंड्स की मदद मिल सके, जिससे दोनों समुदाय का काम चलता रहे। पूरी भारत की जनता रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी से पूछना चाहती है कि उनके अंदर भारत के जवानों के प्रति संवेदना क्यों नहीं है। अगर संवेदनाएं होती और हमदर्दी होती तो अर्नब गोस्वामी ज़रूर स्ट्राइक में 40 जवानों के शहीद होने से उन्हें बचा सकते थे, जिससे यकीनन देश उन पर गर्व करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? कमेंट बॉक्स में आप बताएं। क्या सुशांत सिंह राजपूत के लिए हमदर्दी दिखाने के नाम पर देश के जवान और देशवासियों के नाम पर गद्दारी किया जाए? क्या भारत ऐसे लोगों को माफ करेगा? सुबह से शाम, सोमवार से रविवार तक हर वक्त टीवी पर सुशांत सिंह के लिए आवाज उठाने वाले अब 40 जवानों के शहीद के मुजरिम बन चुके हैं। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी मेहनत को और